हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द फूडी गाय। मेरा नाम है राहुल बेस्ट। आज मैं बनाने जा रहा हूँ पनीर बटर मसाला, और ये एकदम रेस्टोरेंट और घर का स्टाइल दोनों को कंबाइन करके बनाया है, तो रेसिपी बहुत मजेदार है, एक बार आप ट्राई जरूर करना। तो स्टार्ट करते हैं इसके कुकिंग प्रोसेस को। सबसे पहले हमने ग्रेवी तैयार करनी है, उसके लिए टमाटर को 1/4 कट करके मिक्सी में ऐड कर देना है, साथ में धनिया की जड़, गार्लिक, जिंजर को रफली कट करके ऐड कर देना है, थोड़े से काजू को बॉईल कर लेना है, फिर उसको मिक्सी में ऐड कर देना है, साथ में नमक, देगी मिर्च, और फिर इनको जो है पेस्ट बना देना है। पेस्ट बनाने के बाद एक कढ़ाई लेनी है, कढ़ाई में बटर ऐड करना है, साथ में ऑयल और थोड़े से खड़े मसाले, इलायची, दालचीनी, तेजपत्ता, जीरा, और इन सबको ऐड कर देना है। उसके बाद गार्लिक को जो है फाइनली चॉप कट कर लेना है, चॉप कट करने के बाद उसे भी ऐड कर देना है, अनियन को भी जो है फाइनली चॉप कट कर लेना है, चॉप कट करने के बाद उसको भी ऐड कर देना है, फिर इन सबको जो है सौते करना है 2 से 3 मिनट। यहाँ पे हमने प्याज को जो है गोल्डन ब्राउन नहीं करना, सौते करने के बाद जो आपने ग्रेवी का पेस्ट बनाया था वो ऐड करना है, फिर इन सबको जो है 3 से 4 मिनट और कुक करना है, जब तक टमाटर का थोड़ा सा खट्टापन कम हो जाएगा। 3 से 4 मिनट कुक करने के बाद इसमें पानी ऐड करना है, धनिया पाउडर, थोड़ा सा नमक और लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग, कस्तूरी मेथी, साथ में थोड़ी चीनी, और फिर इसको जो है अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसमें ढक्कन लगा के 8 से 10 मिनट पकने देना है। 8 से 10 मिनट बाद आपकी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। उसके बाद आपने जो है पनीर को अच्छे से क्यूब कट कर लेना है, क्यूब कट करने के बाद उसको ग्रेवी में ऐड कर देना है, फिर उसमें फ्रेश क्रीम, साथ में धनिया को अच्छे से फाइन चॉप कट करके उससे भी गार्निश करनी है, फिर इन सबको जो है 2 मिनट कुक करना है लो फ्लेम में। 2 मिनट कुक करने के बाद आपका पनीर बटर मसाला तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप उसे बॉल में या प्लेट में सर्व करें, साथ में ऊपर से बटर, फ्रेश क्रीम और थोड़ा सा धनिया ऐड करके एंजॉय करें। शेयर करना अपने उन सभी दोस्तों जो पनीर बहुत पसंद करते हैं। अगर आप टूर पे जाते हैं, वहां पे जो हाईवे में ढाबे होते हैं, वहां पे जो शाही पनीर बनता है, अगर आपको उसकी रेसिपी जाननी है तो कमेंट करना शाही पनीर। जैसे ही हम इसमें 100 कमेंट क्रॉस हो जाएंगे तब मैं वो रेसिपी जल्दी से जल्दी लेके आऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।